गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। एज वी नो डैट जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज बॉर्न ऑन द 14th नवंबर 1889 एट इलाहाबाद। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट होम। ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1905 फॉर हायर एजुकेशन। बिसाइड्स स्टडी ही टुक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड फ्लाइंग। ही ज्वाइंड द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 18 एंड ऑब्टेंड बीएससी डिग्री। आफ्टरवर्ड ही बिगेन टू स्टडी लॉ एंड बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। जवाहरलाल नेहरू वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधीजी एंड डिसाइडेड टू वर्क विथ हिम। ही टुक पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट्स। ही रिमेन्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थ्रू आउट हिज लाइफ। ही लव चिल्ड्रेन, दैट्स वाई वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज अ चिल्ड्रंस डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं ना, तो आज मैं आप सबों से अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, उसको दिल से करो, मन लगा करो, पूरा मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ फोकट में मिलने वाला है नहीं, और जो कुछ फोकट में मिलता है ना, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। आप जो कुछ भी हासिल करेंगे, उस चीज़ की खुशी कुछ अलग ही होती है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना सपना पूरा कीजिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसको मेहनत के साथ करो, सच्ची लगन के साथ करो, दिल लगा करो। और मैं तो कहता हूँ कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उस पर अपनी जान भी लगा दो, फिर देखना सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो भी सपना देखें, उस चीज़ को ज़रूर पूरा करना, पूरा करके ही रहना। जब तक पूरा नहीं होता, तब तक छोड़ना भी मत। दफ्तर माजी कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप भी वही कीजिए। जब तक आपका सपना पूरा नहीं होता है, तब तक करते रहिए। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, आपको खुशी मिलेगी और अपनी ज़िंदगी में आप सबसे खुश रहोगे। इसलिए अपना ज़िंदगी हमें खुद ही बनाना है। अगला हमारा ज़िंदगी बनाने वाला कोई नहीं है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी का मालिक ना खुद बनना है, और अपनी ज़िंदगी का जिम्मेदार भी खुद बनना है। हमारा ज़िंदगी कोई दूसरा बना नहीं देगा, हमें खुद अपनी ज़िंदगी संवारना है। इसलिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना सपना पूरा कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। यही मेरी दुआ है। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, टुडे ऑन 14th नवंबर वी आर पेइंग ट्रिब्यूट टू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज फॉन्डली नोन एज चाचा नेहरू अमंग द चिल्ड्रन। That is why his birthday is celebrated as Children's Day. Children are the foundation of society. So on the occasion of Children's Day, I have a very simple message for you. That is, increase your intellect, broaden your mental horizon, and explore the treasure within. You can do this firstly by learning to learn the knowledge and increasing your understanding to get benefited from the opportunities education provides throughout life. Secondly, by learning to deal with many situations and developing the skills to work in team. Thirdly, by learning to live together. You can do this by developing the understanding of different cultures and religions and appreciate the value of interdependence. Fourthly, learning to be. It means develop and discipline your personality. Inculcate the value of autonomy, judgment, responsibility, accountability and creativity. Best of luck. Good morning, bachcho.
जैसा कि हम जानते हैं आज बाल दिवस है और इस बाल दिवस के अवसर पर मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। आज का दिन है बच्चों का, कोमल मन का और कच्ची कलियों का। आज का दिन है बच्चों का, कोमल मन का और कच्ची कलियों का। मन के सच्चे या प्यारे बच्चे, चाचा नेहरू को और सबको हैं प्यारे बच्चे। मन के सच्चे या प्यारे बच्चे, चाचा नेहरू को और सबको हैं प्यारे बच्चे। फूलों के जैसे महकते रहो, पंछी के जैसे चहकते रहो। फूलों के जैसे महकते रहो, पंछी के जैसे चहकते रहो। सूरज की भांति चमकते रहो, तितली के जैसे मचलते रहो। सूरज की भांति चमकते रहो, तितली के जैसे मचलते रहो। मम्मी डैडी का आदर करो, सुंदर भावों से मन को भरो। मम्मी डैडी का आदर करो, सुंदर भावों से मन को भरो। ये है हमारी शुभकामना, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। ये है हमारी शुभकामना, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू। विश यू ऑल हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आई एम रंजीत कुमार। आज हम बाल दिवस के शुभ अवसर पर कुछ अपने शब्दों को रखने जा रहे हैं। 14 नवंबर पूरे भारतवर्ष में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 14 नवंबर 1889 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत स्नेह था। उनका मानना था कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों पर निर्भर करता है। इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया, ताकि हमारे देश के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जैसे उनकी सेहत, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और शिक्षा। बच्चों को भी बेहद लगाव था और उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इसीलिए 1956 से ही भारतवर्ष में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का शुरुआत हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू और उनके माता का नाम स्वरूप रानी थी। भारतीय राजनीतिक में वे महान शासक थे और स्वतंत्रता के बाद वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बाल दिवस सभी शिक्षण संस्थानों में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। बच्चे किसी भी देश के निर्माण खंड हैं, वे भारत के भविष्य के नागरिक हैं। तो आइए हम अपने बच्चों को न केवल इसी दिन बल्कि हर दिन एक स्वस्थ और बेहतर वातावरण देने की कोशिश करें, ताकि तभी हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सपने को साकार कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आज बाल दिवस है। आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं आपको एक संगीत सुनाना चाहता हूँ। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँखों के तारे, ए वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे,
ए ओ नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। धन्यवाद। Wish you all happy Children's Day. On this great occasion, I am going to recite a poem for you. This poem is written by me. कुछ बनने का लक्ष्य बना लो, मेहनत से फिर उसको पालो। जीवन पथ के पथिकों सुन लो, शीघ्र ही कोई लक्ष्य बना लो। लक्ष्य एक हो चाहे जो हो, इंजीनियर डीएम या डॉक्टर हो, पत्रकार मिनिस्टर या कलेक्टर हो। जीवन पथ के पथिकों सुन लो, शीघ्र ही कोई लक्ष्य बना लो। लक्ष्य बिना जीवन है अधूरी, होती नहीं आशाएं पूरी। जीवन पथ के पथिकों सुन लो, शीघ्र ही कोई लक्ष्य बना लो। लक्ष्य हो ऊंचा तो कर्म करो ऊंची, कर लो मुट्ठी में दुनिया समूची। तभी मिलेगी यहां सफलता, वरना डगर डगर पे विफलता। जीवन पथ के पथिकों सुन लो, शीघ्र ही कोई लक्ष्य बना लो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Today, on the auspicious day of the Children's Day, I wish you a very, very happy Children's Day. Dear children, according to Shakespeare, our life has been divided into 7 stages. That means we have to pass through all the 7 stages from our birth to the death. Among these 7 stages, first 3 stages are combined and known as childhood, comprising infancy, school going age, and adolescent age. This stage is very unique. It is a fully carefree stage of our life, full of fun and play. But at the same time, this stage is very, very vital and important for all of us, because this is the stage of our foundation and formation for our future life. In this stage, we form and shape ourselves and prepare ourselves to face and live our future life. And dear children, you are just in this very stage. Therefore, children, please remember, as you pass through this stage, along with your play and fun, please dedicate yourself to the formative and foundation making activities, that is your studies, growing with the virtues of hard working, honesty, sincerity, and your wholehearted cooperation with one another. Therefore, children, on this day, I wish to pray to the Almighty God that may He bless you with the true wisdom and virtues, so that your life may be full of virtuous life and activities. God bless you. Mm-hmm.
Tomorrow. Happy Children's Day!